उसको मतलब काफी डर गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि अब सब कुछ सही है। तो डैडी की तरफ से कुछ आपकी बातें हुई? डैडी मुझे क्या हुआ, साहब जिन का जिंदा है क्योंकि वो समझ में आता नहीं कि ये जहरीला सांप है या नहीं, तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से, एहतियात से, एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं, तो वो डेली एंटीबैनन और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पे रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफी डरी हुई थी तो मैं उसको वो हिसाब से दोस्ती हो गई, तो उसे फोटोग्राफ देखिए मैंने वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने कहा और बड़े एकदम शर्मा शर्मा के बेमुरबा कर जहाँ जहाँ आवाज आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन से फिर काटना जरूरी। अच्छा है कि ये हॉस्पिटल काफी इक्विप था, कितने आगे जा रहे हैं एंटीबैनम था उनके पास, और यहाँ के हमारे नितिन कुमार साहब भी आ गए थे जो यहाँ के सुरक्षा पुलिस है, संदीप नायक भी जो यहाँ के MLA वो भी आ गए थे, तो काफी परिवार ही है यहाँ पर कोई है नहीं। और ये जो माहौल चल रहा है जो नया जो जो आया है उसका एक क्या रखना चाहिए, तो यहाँ पर जो पूरा परिवार यहाँ पर आया है उनका यहाँ रैपिड टेस्ट कराया गया है, सब यहाँ पर सेफ तो हम यहाँ पर हैं, एक आध दो 4-5 दिन और उसके बाद काम पे लग जाएंगे, टाइगर की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगला साल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अगले साल में देखते हैं कि क्या क्या पिक्चरें आपको दें। सर फिल्म से याद आए कि कहीं ऐसी खबरें आए कि आपसे जानना चाहूंगा कि राजामौली साहब के साथ में आपके कुछ आई डोंट नो आप ही बता दीजिए। नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो जरूर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, लेकिन उनके फादर के साथ जरूर होगा, उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्टोरी लिखी है जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान, तो वो जैसे वो कंप्लीट कर लेंगे और जैसे दो पिक्चरें होने वाली हैं टाइगर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नो एंट्री शायद होगी और कभी कभी दिवाली शायद होगी, तो ये दो पिक्चरें उसके बाद होगी, इसके बाद भी ठसा नहीं।